बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगेन मैं आप लोगों के साथ में एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ ओवरिन सिस्ट के लिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि ओवरिन सिस्ट को कैसे क्लियर करें और गर्भ धारण करें। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए और बहुत सारे लोगों ने इन कमेंट्स में ये मुझे पूछा कि मैडम हमारी ओवरिन सिस्ट बहुत बड़ी बड़ी है, डॉक्टर ने कहा है सीधा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैडम ऐसी बड़ी सिस्ट को क्लियर करने के लिए आप कोई होम रेमेडी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ओवरिन सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, या फिर अगर आपको फ्लैक्सीड वाली होम रेमेडी यूज़ नहीं करनी है तो आप उसकी जगह पे ऑप्शनल में गिलोय जूस यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गिलोय जूस को कैसे यूज़ करना है अपनी ओवरिन सिस्ट को क्लियर करने के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो फ्रेंड, इसलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को पहले से ही लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सबसे पहले हम गिलोय जूस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पे ऊपर आपको इमेज दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप इसको अपनी भाषा में क्या कहते हो इमेज देख के आप समझ जाइए। फ्रेंड, गिलोय जूस आप चाहे तो अपने घर पे भी बना सकते हैं या फिर रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल की भागम दौड़ी वाली लाइफ में रोज़ डेली फ्रेश बना के पीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर मैं आप लोगों को फ्रेश बनाने के लिए भी बोलूँगी तो आप फ्रेश बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीका बोलना चाहूँगी कि आप कोई मेडिकल शॉप से गिलोय जूस खरीद लीजिए। पतंजलि का भी गिलोय जूस आता है, मैं आप लोगों को नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप गिलोय जूस को ख़रीद सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास के स्टोर्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गिलोय जूस मिल जाएगा। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है फ्रेंड, आप लोगों को इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, महिलाओं को क्या करना है, पीरियड ख़त्म होने के बाद से गिलोय जूस का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, एक चम्मच गिलोय जूस का एक कप पानी के अंदर मिक्स करके, यानी कि डाइल्यूट करके आपको लेना है, आपको डायरेक्ट नहीं पीना है, आपको एक कप पानी के अंदर मिक्स करके इसको पीना है। अगर आपकी सिस्ट बहुत बड़ी है तो आप दो चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले एक चम्मच एक कप पानी के अंदर मिक्स करके लेना चाहिए और पहले नोटिस करना चाहिए कि आपको वो सूट हो रहा है कि नहीं। वैसे तो गिलोय जूस बहुत ही अच्छा होता है और इसके कोई तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगी, सबकी बॉडी सबकी कंडीशन अलग होती है, किसी को सूट कर जाता है तो किसी को नहीं करता, इससे सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर वो टेस्ट करके देखे, अगर एक चम्मच सूट हो रहा है तो फिर आप उसके डोसेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों की बड़ी बड़ी सिस्ट है, जैसे 20 mm की है, 25 mm की है, 30 mm की है, तो आप गिलोय जूस का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर छोटी सिस्ट है तो आप फ्लैक्सीड वाली होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछेंगे कि मैडम क्या हम दोनों भी रेमेडी एक साथ में यूज़ कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड, मैं आपको कहना चाहूँगी जी हाँ, आप कर सकते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगर होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई एक ही होम रेमेडी ट्राई। गिलोय जूस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं फ्रेंड, जिन भी महिलाओं को PCOD का प्रॉब्लम है, PCOS का प्रॉब्लम है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, सिस्ट बन जाते हैं बार बार, गिलोय जूस ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक देखा गया है। मेरे हीना हेल्थ चैनल पे मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपनी सिस्ट की प्रॉब्लम को क्लियर किया, जब उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिस्ट आई थी तो इनकी सिस्ट का जो साइज़ था वो 30 से लेके 35 mm था, डॉक्टर ने कहा कि सीधा इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने एक महीना गिलोय जूस का सेवन किया और फ्लैक्सीड का भी सेवन किया, तो फ्रेंड्स इनको एक महीने में ही इनकी सिस्ट क्लियर हो गई और इनको ऑपरेशन करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिन भी महिलाओं को सिस्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसी महिलाएँ भी गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि मैडम अगर हम ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो क्या हम गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूंगी जी हाँ, आप गिलोय जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ट्राई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, महिलाओं को पीरियड के दिनों में नहीं यूज़ करना है, आफ्टर पीरियड यानी जैसे ही पीरियड ख़त्म हो जाते हैं गिलोय जूस आपको यूज़ करना है फुल मंथ। आई होप फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो के ज़रिए आपकी जो हेल्प हुई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।
आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।